हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमन जंगिल। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शंकराचार्य महाविद्यालय। टुडे आई प्रेजेंट माय टॉपिक सिम्पसन वंस थर्ड रूल्स, क्लास एमएससी सेकंड सेमेस्टर, सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस, पेपर 5, यूनिट 4। आज हम पढ़ेंगे सिम्पसन्स वंस थर्ड रूल्स निकालेंगे और इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम सिम्पसन वंस रूल्स में हम न्यूटन कॉस्ट फार्मूला यूज़ करके यहाँ पर हम वन थर्ड रूल्स निकालेंगे। तो यहाँ पर हम न्यूटन को कोट्स फार्मूला यहाँ पर यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू एच एन वाई जीरो प्लस वन अपॉन टू एन स्क्वायर डेल वाई जीरो प्लस वन अपॉन ट्वेल्व टू एन की पावर क्यू माइनस थ्री एन स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई प्लस वन अपॉन ट्वेंटी फोर इंटू एन स्क्वायर फोर माइनस फोर एन क्यू प्लस फोर एन स्क्वायर इंटू डेल क्यू वाई वाई जीरो प्लस डेल। इसको हम इक्वेशन वन दिए। अब पुटिंग एन इक्वल टू टू इन इक्वेशन वन, अब यहाँ पर हम एन की वैल्यू हम यहाँ पर क्या करें, एन इक्वल टू टू पुट करेंगे। तो पहले हम कर्व देखेंगे। कर्व से पहले हम समझ लेते हैं, ये हमारा कर्व है, ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये हमारा वाई एक्सेस है। तो यहाँ पर हम क्या है, हमारा एक्स इक्वल टू ए लिए हैं और यहाँ पर एक्स इक्वल टू बी। तो एक्स ए से बी तक यहाँ पर क्या रहा है, ये हमारा क्या है, सब इंटरवल्स में हम क्या किए हैं, तोड़े हुए हैं। ए से लेके बी तक हम यहाँ पर छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड किए हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, सब इंटरवल्स में यहाँ पर जब डिवाइड किए तो यहाँ पर हम वैल्यू दिए हैं एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डेल डेल एक्स एन माइनस वन और एक्स एन। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, पूरा एरिया है। तो यहाँ पर हम एरिया का नाम दे दिए हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, n इक्वल टू टू मतलब हमारा n क्या है, हमारा स्ट्रिप्स है ना। तो यहाँ पर हम स्ट्रिप्स मतलब क्या हो गया, हमारा जो यहाँ पर ये हमारा जो एक स्ट्रिप और ये हमारा दूसरा स्ट्रिप्स। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर n इक्वल टू टू ले रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पर ये मैं टेबल बनाई हुई हूँ, पहले मैं इसको डिफाइन कर लेती हूँ। तो n क्या लिए हैं, हम दो स्ट्रिप्स बोले हैं। तो दो स्ट्रिप्स में यहाँ पर हमारा तीन वैल्यू एक्स जीरो एक्स वन और एक्स थ्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें, एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू लिए हैं, फिर एफ ऑफ क्या लिए हैं, वाई जीरो वाई वन वाई टू। अब यहाँ पर क्या रहे हैं, डेल एफ ऑफ एक्स। तो डेल ऑफ एक्स को हम क्या बोल सकते हैं, डेल वाई जीरो भी बोल सकते हैं। तो डेल वाई जीरो क्या होता है हमारा, यहाँ पर हम वाई वन माइनस वाई जीरो वाई टू माइनस वाई वन। फिर इसके बाद हम यहाँ पर डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई जीरो। अब यहाँ पर हम डेल वाई जीरो का वैल्यू निकाले और डेल स्क्वायर वाई जीरो का वैल्यू निकाले हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, न्यूटन कॉस्ट फार्मूला में हम एन की वैल्यू हम एन इक्वल टू टू लिए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ जहाँ एन है वहाँ हम टू पुट करेंगे। तो यहाँ पर टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम जब टू पुट किए तो एच इंटू टू वाई जीरो प्लस टू डेल वाई जीरो प्लस वन अपॉन थ्री डेल स्क्वायर वाई जीरो। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो डेल है उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। डेल वाई जीरो का क्या होता है हमारा, वाई वन माइनस वाई जीरो, और डेल स्क्वायर वाई जीरो का क्या होता है, वाई जीरो सॉरी वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई जीरो। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इस तरीके से इक्वेशन बनेगा। और यहाँ पर हम पूरे को सॉल्व किए तो क्या हुआ हमारा, थ्री एच अपॉन थ्री, यहाँ से हम एच कॉमन थ्री सॉरी थ्री कॉमन निकाले हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, सिक्स वाई जीरो प्लस सिक्स वाई वाई वन माइनस वाई जीरो प्लस वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस एक्स जीरो। यहाँ पर हम सॉल्व करें, यहाँ पर हम ब्रैकेट्स तोड़ रहे तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन थ्री सी वाई जीरो प्लस सिक्स वाई वन माइनस सिक्स वाई जीरो
वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई जीरो। यहाँ पर क्या हो गया हमारा सिक्स वाई जीरो और प्लस सिक्स वाई जीरो और माइनस सिक्स वाई जीरो यहाँ से कट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या क्या बचेगा, वाई जीरो फोर यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा फोर वाई वन और क्या है प्लस वाई टू। इसके बाद हम यहाँ पर जब पूर्व सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा वाई जीरो से सॉरी इंटीग्रेशन वाई एक्स टू यहाँ से एक्स जीरो से एक्स टू ले रहे हैं, क्यों एक्स जीरो से एक्स टू ले रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर हम यहाँ पर स्क्रिप्ट में क्या लिए हैं टू लिए हैं एन इक्वल टू टू, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं एन एन जीरो से लेके एन टू, तो यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। तो फिर क्या हो जाएगा हमारा एच अपॉन थ्री वाई जीरो प्लस फोर वाई वन प्लस वाई टू। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या है दो दो, यहाँ पर हमारा इसमें हम दो दो स्क्रिप्ट लेके चलेंगे, हम ट्रेपेज़ॉइडल रूल्स में हम एक एक स्ट्रिप्स लेके चलते थे, अब यहाँ पर हम सिम्पसन वंस रूल वन थर्ड्स रूल्स में हम दो दो स्क्रिप्ट स्ट्रिप्स लेके चलेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा वैसे जैसे कि हमारा एक्स जीरो से क्या हो जाएगा एक्स टू, तो वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा एक्स टू से एक्स फोर, हम दो दो स्ट्रिप्स लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा एच अपॉन थ्री वाई वाई टू प्लस फोर एच एच थ्री फोर इंटू एच वाई थ्री प्लस वाई फोर। इसके बाद हम यहाँ पर फिर ऐसे करके हम क्या करेंगे दो दो स्ट्रिप्स लेते जाएंगे, तो यहाँ पर हम एक्स फोर से लेके एक्स सिक्स तक लेके जा रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू एच अपॉन थ्री इंटू वाई फोर प्लस फोर वाई फाइव प्लस वाई सिक्स, तो ऐसे चलते हुए कहाँ तक जाएगा हमारा एक्स एन माइनस वन से एक्स एन तक, तो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एच अपॉन थ्री इंटू वाई एन माइनस टू प्लस फोर इंटू वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन। जब हम इसमें हम सब जो है इसको हम जोड़ेंगे यहाँ पर इस, तो हमारा जो जो यहाँ पर हम ये वैल्यू और ये इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से x जीरो से लेके हम कहाँ तक जा रहे हैं एक्स एन, तो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हम यहाँ पर एच अपॉन थ्री कॉमन निकाले हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा वाई जीरो प्लस यहाँ से फोर फोर है तो यहाँ पर हम क्या लिए फोर कॉमन लिए हैं, तो वाई वन वाई थ्री वाई फाइव और वाई एन माइनस वन, तो वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा जब हम यहाँ पर से कॉमन निकालेंगे टू कॉमन निकालेंगे यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर भी टू है यहाँ पर टू है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोनों कॉमन निकाले तो टू निकल जाएगा, यहाँ पर फोर है और इधर भी क्या है फोर है यहाँ पर फोर है तो यहाँ पर सिक्स तो यहाँ पर सिक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा टू कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टू कॉमन निकालेंगे तो वाई टू वाई फोर प्लस डैश 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 वाई एन माइनस टू प्लस वाई एन। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे जो वाई जीरो और जो वाई वन वाई एन है उसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं, तो y h अपॉन थ्री वाई जीरो प्लस वाई एन यहाँ पर अकेले इसलिए हम यहाँ पर से लिखे हुए हैं, फिर यहाँ पर क्या है फोर कॉमन निकले तो वाई वन प्लस वाई थ्री प्लस वाई फाइव प्लस डैश डैश वाई एन माइनस वन प्लस यहाँ पर करें टू इंटू वाई टू प्लस वाई फोर प्लस वाई सिक्स प्लस डैश 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 वाई एन माइनस टू। ये हमारा क्या है सिम्पसन्स रूल्स हमारा निकल गया है, हमको कभी कभी ऐसे याद करने के लिए यहाँ पर मैं लिखी हुई हूँ ए यहाँ पर लिखी हुई हूँ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एच अपॉन थ्री, मैं यहाँ पर वाई जीरो प्लस वाई एन को क्या लिखी सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट प्लस फोर सम ऑफ ऑड प्लस टू
इनटू सम ऑफ इवेंट्स। अब हम यहाँ पर इसमें एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है, इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 to 6 डी वाई अपॉन डी 1 + x² बाई यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल्स। यह हमारा क्वेश्चन पर दिया हुआ है। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं y, यहाँ पर जो f ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, y y 0 y 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडेड द इंटरवल, हमारा कहाँ इंटरवल क्या दिया गया है, 0 से 6 तक दिया गया है, इंटू 6 पार्ट्स में हम यहाँ पर क्या किए हैं, डिवाइड किए गए हैं। इसकी वेथ कितना है हमारा, h इक्वल टू 1, इस दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर हमारा 0 to 1 यहाँ पर कितना डिफरेंस निकला, 1, 1 to का 1 निकला, यहाँ पर भी 1, तो यहाँ पर हमारा h का क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 1। द वैल्यू ऑफ f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 + x² आर गिवन बिलो। यहाँ पर कभी कभी कुछ क्वेश्चन पे टेबल्स नहीं दिया रहता है, तो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर बताई हुई हूँ कि कैसे हमको यहाँ पर डिफरेंस टेबल निकालना है। तो यहाँ पर जैसे कि हमको सिर्फ h का वैल्यू बस होना चाहिए, तो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमको h की वैल्यू क्या दी, h इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, x और f ऑफ x ले रहे हैं, तो x इक्वल टू क्या है, a ले रहे हैं, तो a की वैल्यू क्या है हमारा, 0 है। यहाँ पर हाँ इंटरवल यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, 0 है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू a इक्वल टू 0, तो यहाँ पर f ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ 0। फिर यहाँ पर हमारा जो f ऑफ x की जो वैल्यू है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/, यहाँ पर x की जगह में हम 0 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 1 हो जाएगा। वैसे ही हम यहाँ पर a प्लस h ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है, 0, h की वैल्यू क्या है, 1, यहाँ पर हमारा 1 निकल गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस h इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ 1। तो जब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 0.5, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा डिफरेंशिएबल भी निकल जाएगा। अब हम यहाँ पर सिम्पसन्स 1/3 रूल्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम सिम्पसन्स रूल्स लिखे हुए हैं, फॉर्मूला लिखे हुए हैं, तो y0 यहाँ पर हम यहाँ पर हम वैल्यू जो दिया गया है उस वैल्यू में हमको पुट करना है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर पूरे वैल्यूज़ को पुट किए हैं। y0 की वैल्यू y6 4 इंटू y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस 2 2 इंटू y2 प्लस y4। तो यहाँ पर हम वैल्यू को पूरे पुट किए हैं। तो हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करने के बाद हम यहाँ पर सॉल्व किए गए हैं, 1 + 1 + 0.2 7 यहाँ पर ऐड किए तो हमारा ये इतना आया है, 4 इंटू 0.5 प्लस 0.1 प्लस 0.0385 को हम ऐड करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, और यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर हम सबको इनटू करके यहाँ पर ऐड किए तो यहाँ पर हमारा ये आंसर आ गया। ये हमारा सिम्पसन्स रूल्स का इक्वेशन है, यहाँ पर हम वैल्यू निकाले हुए हैं, ठीक है।